स्वागत है वॉइस ऑफ फैमिली में आपका। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली न्यूज चैनल। में बात करें बड़ी अपडेट की तो पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। दरअसल पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के दौरे पर पहुंचे थे। यहां सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला यहां 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पीएम मोदी बठिंडा पहुंचे थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला से में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब रोशनी और बारिश के चलते पीएम मोदी 20 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन मौसम में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने सड़क के रास्ते राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने का फैसला किया। इस रास्ते से 2 घंटे का समय लगना था। वहीं पंजाब डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद पीएम मोदी सड़क के रास्ते आगे बढ़े। बात करें तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले पीएम मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पहुंचा तो यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था और इसके चलते पीएम मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा और इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। ये था अब तक अपडेट। लगातार आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।